कर रहे हैं इस यात्रा को स्थायी रूप से और अच्छे रूप से चलाने के लिए कर रहे हैं और तत्पर हैं और आगे करते रहेंगे। दूसरा आज मुझे एक मौका मिला है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, उसमें ये है कि मैं आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल कुछ ऐसी नाखुशगवार वारदात हो गई हमारे पंजाब में जिसका असर जो है इस यात्रा पे पड़ता दिख रहा है और आप हमारे साथ सहमत होंगे इस बात में। उस असर को कम करने के लिए मतलब कि उसका और ज़्यादा विपरीत असर मत हो हमारी यात्रा पे, मैं आप सब लंगर वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आप लोगों की परमिशन है तब तक आप यहाँ पर डटे रहिए। हम मुझे पूरा भरोसा है शायद आप भी आगे देखेंगे यात्रा फिर पिकअप करेगी और मुझे लगता है आपके मंच से सब लोग के मंच से भी एक विशेष मैसेज आना चाहिए। महेंद्र गोयल जी इधर हैं, बाकी विधायकगण इधर हैं, मैं लगता हूँ कि कोई एक आपकी तरफ से व्यक्ति होनी चाहिए जॉइंट की यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आगे भी चलेगी, अभी ये यात्रा का समापन नहीं हुआ। बाकी जो बात महेंद्र जी ने रखी है हमारे आगे वो मैं उचित पटल पे उसको उठाऊँगा और बात रखेंगे और उम्मीद है उस पर गौर होगा। तो मैं आपको एक बार फिर यहाँ से इस मंच से एक रिक्वेस्ट करता हूँ गोयल साहब को कि जब आप दिल्ली जाते हो वापस तो हमारी बात रखिए वहाँ पर, एक कोई प्रेस विज्ञप्ति दीजिए अपनी तरफ से कि अभी यात्रा सुचारू है, अभी बंद नहीं है, अभी मतलब जैसे आपने बताया खुद ही कि सावन के महीने का एक विशेष महत्व रहता है इस यात्रा में, तो लोगों को और रिक्वेस्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ आए और उनका विशेष प्रबंध है। और लंगर वालों की तरफ से भी आह्वान किया जाए कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी खाने पीने का रहने का एकदम मतलब उच्चतम प्रबंधन किया गया है प्रशासन द्वारा, ये लोगों के बीच में जाके बिठाएं। तो मुझे उम्मीद है आपकी बात लोग गौर से सुनेंगे और अभी भी यात्रा जो एक महीने में है पड़ा हुआ है तो उम्मीद है इससे बराबर जितनी अभी तक हुई है इतनी यात्रा और रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।